लिए लोकसभा निर्वाचन 2019 में संपन्न हुए, जो मध्य प्रदेश के प्रत्याशी जो विजय रहे उनके साथ लेकर मैं आपके साथ आया हूँ कि कितने हजार वोटों से कौन विजय रहा है। जैसे अपन देखते हैं मुरैना जिले में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो अपने ग्रामीण विकास मंत्री रहे और ये कुल 18,737 मतदान से ये हुए हैं। और भिंड में जीते हैं अपने श्रीमती संध्या राय और ग्वालियर में जीते विवेक जैसव लवकर और गुना में डॉक्टर केपी यादव और सागर से श्री राजबहादुर सिंह, टीकमगढ़ से श्री वीरेन कुमार और दमोह से पहला चंद सिंह पटेल, खजराव से वीडी शर्मा, सतना से श्री गणेश सिंह, रीवा से श्री जनादन मिश्रा, सीधी से श्रीमती रीति पाठक, शहडोल से श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर से श्री राकेश सिंह और मंडला से श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और बालाघाट से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, छिंदवाड़ा से श्री नकुल कमलनाथ। ये एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ से कांग्रेस की एक सीट मिली है, बाकी सब पूरी बीजेपी की है। होशंगाबाद में श्री राव उदय प्रताप सिंह, विदिशा से श्री रमाकांत भार्गव, भोपाल से श्रीमती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह और राजगढ़ से श्री रोडमल नगर, देवा से श्री नहेंद्र सिंह सोलंकी, उज्जैन से श्री अनिल फिरोजिया, मंदसौर से श्री सुधीर गुप्ता, रतलाम से गुमान सिंह, दामोर धार से छत्तर सिंह दरबार, इंदौर से शंकर लालवानी, खरगोन से श्री गजेंद्र उमराव सिंह, खंडवा से नंद कुमार सिंह चौहान और बैतूल से दुर्गादास उड़ेक। ये सारे लोकसभा प्रत्याशी है जो विजय रहे हैं और भारी बहुमतों से जीते हैं। और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल करी। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और मैं आपके लिए चुनाव का वीडियो लेके आया हूँ। आपके लिए इसी तरह नया वीडियो लेके आते रहेंगे। लोकतंत्र का पूर्व संपन्न भारत में 17वीं लोकसभा के लिए विगत दिनों में निर्वाचन संपन्न हुए हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न किया गया था। पूरे देश में निर्वाचन का प्रथम चरण 11 अप्रैल से संपन्न हुआ, जिसमें 20 राज्यों में से 91 सीटों पर मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को जो 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान हुआ है, जबकि तीसरे चरण के तहत मतदान 23 अप्रैल को कराया गया है, जिसमें 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान हुआ है। इसी प्रकार के संपन्न हुए चौथे चरण के 9 राज्यों की 71 सीटों पर 6 मई को पांचवें चरण के लिए 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले गए। छठा चरण 12 मई को संपन्न हुआ, जिसमें 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान कराया गया। सातवां अंतिम चरण 19 मई को संपन्न हुआ, जिसमें 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान कराया गया। मध्य प्रदेश कुल 4 चरणों में 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए थे। प्रदेश का पहला चरण 29 अप्रैल को 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा शामिल थे। प्रदेश के दूसरे चरण के तहत 7 लोकसभा सीटों के लिए 6 मई को चुनाव संपन्न कराए गए थे, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजराव, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल शामिल थे। इसी प्रकार प्रदेश के तीसरे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों का निर्वाचन और 12 मई को संपन्न कराया गया, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ शामिल थे। जबकि प्रदेश के चौथे चरण और अंतिम चरण को में 19 मई को 8 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए हैं, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा शामिल थे। संपूर्ण भारत में भिन्न चरणों में हुए संपन्न हुए लोकसभा निर्वाचन के लिए मतगणना 23 मई को संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 52 और एडीएम ने 23 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 22 और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22, शिवसेना ने 18 और जनता दल यूनाइटेड ने 16 और बीजू जनता दल ने 12, बहुजन समाज पार्टी ने 10 और शेष अन्य पार्टियों ने 2 अंकों में भी विजय नहीं हुई पाई। इन्हीं 7 चरणों में प्रदेश के 4 राज्यों की विधानसभा सीटों में निर्वाचित संपन्न हुए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश की 100
आंध्र प्रदेश की 175 सीटों के लिए विधानसभा निर्वाचन संपन्न हुए, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 151 सीटों पर, तेलुगु देशम पार्टी ने 23 सीटों पर तथा जनसेवा पार्टी के एक सीट पर निर्वाचित हुए। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के 60 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हुए हैं। चुनाव में 38 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। उड़ीसा में विधानसभा की 146 सीटों के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें 112 सीट जीतकर बीजू जनता दल ने बहुमत हासिल किया है। वही सिक्किम में 32 सीटों वाली विधानसभा में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 17 तथा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 15 सीटें पर विजयश्री हासिल की। और लोकसभा चुनाव में कुल 89.17 करोड़ मतदान थे, जिसमें से 46.53 करोड़ पुरुष मतदान है, जबकि 43.16 करोड़ महिला मतदान थी। मध्य प्रदेश में कुल 5.18 करोड़ मतदान थे। प्रदेश के 71.76% मतदान हुआ है, जबकि वर्ष 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 61.61% था। यह प्रदेश की जागरूकता मतदाताओं का परिचय है। जय हिंद, जय दोस्तों, आपके लिए नए वीडियो लेके आएंगे इसी तरह।